हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईवीएस में लेसन 17 का कॉपी वर्क करवाएंगे। लेसन 17 से आपका एनुअल पोर्शन तैयार है। सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस तरह से एनुअल वर्क डालेंगे। एक पेज पर डालेंगे एनुअल वर्क स्टार्ट, उसके बाद सब बच्चे अपना काम करना शुरू करेंगे। देखिए, जिस तरह से मैंने कराए हैं एनुअल वर्क स्टार्ट डालने के बाद, तब हम अपना काम शुरू करेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेसन 17 आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। अब हम आपको इसके वर्ड मीनिंग रीड करवाते हैं। अब आप इसके वर्ड मीनिंग रीड करेंगे और बाद में ये सब वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। देखिए, फेस्टिवल्स त्यौहार, फेस्टिवल त्यौहार, सेलिब्रेट उत्सव बनाना, सेलिब्रेट उत्सव बनाना, क्लॉथ्स कपड़े, ग्रीट गले मिलना, एक्सचेंज आपस में बदलना, कैंडल्स मोमबत्ती, वर्शिप पूजा करना, क्रैकर्स पटाखे। एक बार और रिपीट करते हैं, फेस्टिवल त्यौहार, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, क्लॉथ्स कपड़े, ग्रीट गले मिलना, एक्सचेंज आपस में बदलना, कैंडल्स मोमबत्ती, वर्शिप पूजा करना, क्रैकर्स पटाखे। आगे देखते हैं, प्रे प्रेमिस प्रार्थना करना, मॉस्क्यू मस्जिद, नेशनल राष्ट्रीय, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, बर्थडे जन्मदिन, होली धार्मिक। प्रे प्रार्थना करना, मॉस्क्यू मस्जिद, नेशनल राष्ट्रीय, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, बर्थडे जन्मदिन, होली धार्मिक। अब आते हैं हम लेसन 17 के क्वेश्चन आंसर पर, ये भी आपको आज ही पूरे करने हैं। देखिए, नेम टू नेशनल फेस्टिवल्स, सबसे पहले आपको दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखने हैं। राष्ट्रीय त्यौहार आपको बताया था कि जो त्यौहार पूरा देश मिलकर मनाता है उसे हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार में कोई भी धर्म का धर्म को सम्मिलित नहीं किया जाता है, धर्म को नहीं मिलाया जाता है। ये ऐसा कोई त्यौहार नहीं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अलग अलग मनाएंगे, ये त्यौहार सभी मिलकर बनाते हैं। तो नेम टू नेशनल फेस्टिवल्स, दो राष्ट्रीय त्यौहारों के नाम लिखिए। इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे, REPUBLIC, रिपब्लिक DAY, रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, हु किसे हम फादर ऑफ आवर नेशन राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन हैं, बताया था आपके अभी आपको, MAHATMA, महात्मा, GANDHI, गांधी। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन क्रिसमस, किसके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन क्रिसमस, जीसस क्रिस्ट ये ईसाइयों के भगवान थे। जीसस क्रिस्ट के बर्थडे को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो JESUS, जीसस, CHRIST, क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। विच इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार कौन सा होता है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, DIWALI, दिवाली। वैन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम क्रिसमस कब मनाते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। विच फेस्टिवल इज मंथ ऑफ फास्टिंग, कौन सा त्यौहार व्रत का त्यौहार है। ईद इज मंथ ऑफ फास्टिंग, ईद जो है वो मंथ फास्ट त्यौहार, व्रत का त्यौहार है।
विच इज़ द बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? पोंगल इज़ द बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, पोंगल जो है वह साउथ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। विच इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, और केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, ओनम जो है वह केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सभी बच्चे ये वर्क अपनी कॉपी में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को, वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखने के बाद इन्हें लर्न करेंगे। यहाँ से आपका एनुअल पोर्शन शुरू होता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लेसन 17, 19, 20 और 21 ये आपके एनुअल पोर्शन में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।